तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं जॉब्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे क्रोशिया जॉब में जो वैकेंसियां उसके बारे में। तो अभी जो वैकेंसियां हैं आपको पता ही है कि यहाँ में कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी बॉय, टैक्सी ड्राइवर की अधिकांश वैकेंसियाँ होती हैं यहाँ पर। तो फिलहाल जो वैकेंसियाँ हैं वो हैं डिलीवरी बॉय का, अभी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। और जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें भी यूरोप कंट्री में जाना है, वहाँ जाके अच्छे खासे पैसे कमाना है, तो वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आके जॉब करना बहुत हार्ड वर्क है। इंडिया से बोलना आसान होता है, पर यहाँ से यहाँ पे आके जॉब करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद लोग जो है कि काम नहीं कर पाते हैं और तमाम जो है कि गलतियाँ बताते हैं। हमने देखा है कि काम नहीं करते हैं लोग, बैठे रहते हैं, और हमने ये भी देखा है कि भैया डिलीवरी नहीं आती है। तो सारी समस्या डिलीवरी का भी होती है और जो है कि कुछ बंदों का भी होता है जो काम नहीं आता। लेकिन वही चीज़ जो काम करने वाले यहाँ पे जो काम करते हैं उनके लिए हमेशा डिलीवरी आती है और हमेशा वो लोग काम करते हैं, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। बंदे को प्रॉब्लम होती है सिर्फ नए वालों को, पुराने बंदे जो काम करते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए हमेशा यहाँ पे वैकेंसियाँ हैं, जॉब हैं, लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। और जो है कि दोस्तों डिलीवरी में समस्या ये भी है, हमने कई लोगों से बातें की, कई लोगों का फीडबैक लिया, कई लोगों को जाना और उनसे बात की, और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि डिलीवरी नहीं आती है, डिलीवरी नहीं मिलता है। वही चीज़ कई लोग बोलते हैं कि डिलीवरी आती है लेकिन लंबा लंबा मिलता है, जैसे कि 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4-4, 5-5 किलोमीटर का मिलता है, जो साइकिल से चलाना काफ़ी मुश्किल है। पहाड़ियों पर मिल जाता है तो बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको सिर्फ एक आना चाहता हूँ कि डिलीवरी में अगर आना है आपको तो भाई मेहनत करना पड़ेगा। और सिर्फ एक बंदों की गलती नहीं होती है, कुछ बंदों का भी गलती होती है, कुछ समय का भी आपको देखने को मिलता है कि समय के अनुसार भी यहाँ पर काम होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप विदाउट सीजन के आ गए यहाँ पर, तो ना के बराबर डिलीवरी है, आपको 1 से 2 महीने 3 महीने ना के बराबर काम मिलेगा, और ना ही तो आप पैसे कमा पाओगे और ना ही तो आप जो है कि डिलीवरी कर पाओगे। क्योंकि जो डिलीवरी आती है सिर्फ वो आपके जो पैसे बनेगा वो सिर्फ आपके खर्चे में चला जाएगा। और वही चीज़ अगर विदाउट सीजन का आते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर मान लीजिए समर में यहाँ पर डिलीवरी कम है, क्योंकि समर आपको पता है कि गर्मी में लोग इन्जॉय करने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए लोग जागरेब से और बाकी कंट्रियों से जहाँ पर डिलीवरी बॉय का जॉब होता है उससे बाहर चले जाते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे डिलीवरी कम होती है। वही चीज़ अगर आप दूसरे सीजन में आते हैं जहाँ पे आप ठंडियों में आते हैं, तो ठंडियों में भरपूर यहाँ पे डिलीवरी मिलती है, जो है कि ऑर्डर आते हैं, लोग ऑर्डर करते हैं, अच्छे खासे पैसे भी कमाते हैं लोग, महीने का 2-2 हज़ार, 25-25 सौ यूरो भी यहाँ पर कमाएँ। पर समय की बात होती है कि अगर समय अगर विंटर कराता है तो ज़्यादा डिलीवरी आती हैं, ऑर्डर आते हैं, लोग करते हैं। वही चीज़ समर में थोड़ा सा यहाँ का जो सीज़न होता है उसमें ना के बराबर है डिलीवरी आती हैं, लेकिन बंदे काफ़ी हैं इसलिए लोगों को डिलीवरी टाइम से नहीं मिल पाती है। एक ही डिलीवरी कई लोग पे रिंग जाती है, जो जिनका उंगली मोबाइल पे रहता है तो उसने एक्सेप्ट किया, और जो निकाल के अभी देख रहा है कि कहाँ क्या कितना दूर है, उनके हाथ से चली जाती हैं। तो ऐसा होता है यहाँ पर, मैंने देखा है लोगों के सामने, लोगों का फीडबैक लिया, लोगों के सामने खड़े होकर देखा लोग डिलीवरी किस कंडीशन में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना पर डे का करते हैं, सारी चीज़ें हमने देखा है इस चीज़ को। तो देखिए इंडिया से बोलना आसान होता है कि हम काम कर लेंगे, लोग बोलते हैं कि इंडिया से कि हम काम कर लें, ठीक है, माना कि आपने इंडिया में जोमेटो में काम किया है, स्विगी में काम किया है, पर यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बंदे ज़्यादा हैं, ऑर्डर कम है, और फिर सीजन है, सीजन में इतना ऑर्डर आते नहीं हैं और लोग कर नहीं पाते हैं, कंपनी का प्रेशर है कि भाई काम नहीं कर पाओगे तो आप रिजाइन दीजिए, साइन कीजिए और कंपनी छोड़ के जाइए। तो काफ़ी जो है कि इनमें समस्याएँ होती हैं। और वही चीज़ है कि जो लोग टिक जाते हैं, 2-3 महीने काम करते हैं, कैसे भी करके चलाते हैं, वो तो लोग आने वाले दिनों में उनका बढ़िया होता है, अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। पर शुरुआती दौर में, मैं पहले भी हर वीडियो में बताता हूँ कि शुरुआती दौर में बंदा ना के बराबर कमाता है यहाँ पे 1-2-3 महीने, क्योंकि इसमें कमीशन बेस में ही होता है कि आपको कमीशन पर काम करना है। जितना आप डिलीवरी करोगे, जितना काम करोगे उतना आपको मिलेगा, नहीं काम करोगे तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। आपको ज़्यादा मैं ये नहीं बोलता हूँ डिलीवरी में आके आप 1 लाख रुपये कमाओगे, 1.5 लाख कमाओगे या 2 लाख कमाओगे, इतना मैं
नहीं बोलता हूँ अपने बंदों को, और ना ही तो किसी को मैं ऐसा बताता हूँ कि डिलीवरी में आके क्रोशिया के अंदर आप 2 लाख और 5 लाख कमा लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ उतना ही बताता हूँ कि जितना आप यहाँ पे कमा सकते हो, जितना आप काम कर सकते हो, जितना काम करोगे उतना मिलेगा, नहीं काम करोगे नहीं मिलेगा। तो जो लोग आने का प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम भी चलें क्रोशिया में जाके वहाँ पे काम करें, उनके लिए अभी वैकेंसियाँ हैं डिलीवरी बॉय में, और उन लोग के लिए है जो लोग यहाँ पे आके स्ट्रगल करेंगे, जो लोग काम करेंगे, जो लोग मेहनत करेंगे, उन लोग के लिए, और सिर्फ उन लोग के लिए नहीं है भैया जो यहाँ पे आके सोचें कि ज़्यादा हार्ड वर्क है, काम ना करें और हमें पैसे आएँ, तो ऐसे लोगों के लिए नहीं है। अगर जिन लोगों को आना है, तो जो मेहनत करने वाले हैं, जो मेहनत करने की क्षमता रखते हैं, वही लोग जो है कि कम्प्लीट डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। बाकी जिनके पास सोच रहे हैं कि हम 40-50 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे और बाद में डिलीवरी नहीं होगा, तो भाई ऐसे लोग को जो है कि नहीं आना है। और यहाँ आने के बाद जो है कि आपको उस चीज़ को देखना है, अगर डिलीवरी नहीं होता है, काम नहीं होता है, तो आप यहाँ पे लोग 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने काम करने के बाद जो है कि जॉब चेंज भी करते हैं, लोग दूसरी कंपनी में ज्वाइन भी हो जाते हैं। तो आपको वो चीज़ें देखनी है, आपको वो चीज़ें समझनी है, ठीक है। और चलिए ठीक है, तो डिलीवरी बॉय में वैकेंसियाँ हैं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो आने के लिए, तो आप आइए यहाँ पे, आके यहाँ पे आप सेटल हो सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं, दूसरा भी काम कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको डिलीवरी में आके कम से कम 4-5 महीने, 6 महीने काम करने पड़ेगा। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट, PCC, एजुकेशन सर्टिफिकेट, रिज्यूम, फ़ोटो और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट चाहिए हमें। तो जिनका कंप्लीट डॉक्यूमेंट है PCC विथ अपोस्टाइल के साथ, वो लोग दिए हुए मेल ID पे मेल कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ पे जाके आप मेल कर सकते हो, और फिर आप आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे और सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको सारी चीज़ें देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।